सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्वनी कुमार पिंटू। गिद्धा ओपी पुलिस तीन चोरों को चोरी की हुई मशीनरी सामान के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हमारे क्षेत्र में अपराधियों की खैर नहीं, गिद्धा ओपी प्रभारी पूनम कुमारी। गिद्धा ओपी प्रभारी पूनम कुमारी ने अपने दल बल के साथ छापेमारी कर गिद्धा अमरपाली सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड से लाखों रुपया के चोरी के मशीनरी सामान चोरी के समय से कुछ महज घंटों के अंदर ही एक कबाड़ी दुकान से बरामद कर ली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चोरी के सामान के साथ तीन चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिद्धा ओपी प्रभारी ने बताया कि गिद्धा औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत अमरपाली सिलेंडर प्लांट से रात्रि में लोहे का डाई सहित कई उपकरण की चोरी हुई थी। इस मामले में सिलेंडर प्लांट के कर्मियों ने गिद्धा ओपी में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों में गिद्धा स्थित एक कबाड़ी दुकान से चोरी हुई सामान को जब्त कर लिया। वहीं मामले को लेकर के पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से और चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही इस मामले में और लोग भी हैं जिनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। त्वरित कार्रवाई से बरामद सामान और चोरों की गिरफ्तारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गया है। पूनम कुमारी ने बताया कि इसमें संलिप्त बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से झाड़ी को काटकर चोरों के द्वारा रास्ता बनाकर चोरी किया गया है। प्लांट के कर्मियों से जब बात किया गया तो प्लांट के अंदर के लोगों की संलिप्तता की बात को लेकर आशंका जाहिर किया गया। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं अश्वनी कुमार पिंटू, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सीने आजकल न्यूज़। नमस्कार।